जय श्री श्याम दोस्तों। द्वापर के समय जब भगवान श्री कृष्णा ने धरती पर जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने के लिए धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए आतुर हो उठे, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुक गए कि यदि वे श्री कृष्ण जी से मिलने जा रहे हैं तो उनको अपने साथ कुछ उपहार भी लेके जाना चाहिए। समय बीतता रहा और वो परेशान होते रहे कि ऐसा कौन सा उपहार दिया जाए जो उनके भगवान हमेशा अपने पास रख सकें। काफी सोच विचार करने के बाद महादेव जी को ध्यान आया कि उनके पास महर्षि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डियों का कुछ अवशेष पड़ा हुआ है। ऋषि दधीचि वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियों को दान में दिया था। उनकी हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा जी ने तीन धनुष, पहला पिनाक, दूसरा गांडीव, तीसरा शारंग, इनका निर्माण किया था और साथ ही साथ इंद्र के लिए वज्र का निर्माण भी इन्हीं हड्डियों से हुआ था। महादेव जी ने हड्डियों के उन अवशेष को घिसकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब वह बांसुरी बनके तैयार हुई तो महादेव माता पार्वती के साथ श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए गोकुल गए और उन्होंने वहाँ उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप श्री कृष्णा जी को वो बांसुरी उपहार में दी। महादेव की दी हुई उस बांसुरी को श्री कृष्णा जी हमेशा अपने पास रखते थे और समय समय पे उसको बजाकर गोपियों को और गोकुलवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। वैसे तो कान्हा की हर एक लीला अपने आप में अपरंपार है, लेकिन उनके पास मौजूद जो बांसुरी थी, जो बंसी थी, उनकी लीलाएं भी अपरंपार है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बांसुरी अपने घर पे रखते हैं तो आपके ऊपर कान्हा जी की कृपा बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि अगर आपको नौकरी मिलने में या अपने जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी कृष्ण मंदिर में बांसुरी दान करनी चाहिए, जिससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी दुख संकट हैं उनको हर लेते हैं। दोस्तों, इस जन्माष्टमी श्री हरि विष्णु के जो अवतार हैं हमारे कान्हा जी, वो आपके जीवन के सभी दुख संकट हर लें और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भर दें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।